अब यूएनएससी में असली वाला बवाल मचाया भारत ने। जयशंकर का गुस्सा फूट पड़ा गुरुद्वारा ब्लास्ट पर और जयशंकर ने कई तरह के सवाल कर दिए हैं। अब देखना यह है कि अरब देश और अमेरिका इस पर क्या एक्शन लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह का रूप यूएनएससी में किसी ने नहीं देखा होगा जो भारत ने दिखलाया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं अपनी अकल और पराई दौलत हमेशा बड़ी नजर आती है। यही हाल है ओआईसी और कुछ मुस्लिम देशों का, जो सिर्फ अपने दायरे तक सीमित है, उससे बाहर निकलकर देखना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। इन तीनों देशों के अब आंकड़े निकाल लो, आंकड़ों में आपको दिखेंगे, सिर्फ 10 साल 20 साल के ही आंकड़े निकाल लो, आपको दिखेंगे कि किस तरीके से हिंदू सिख ये जो माइनॉरिटीज हैं, इनकी संख्या में बिल्कुल नाटकीय परिवर्तन आया है। लाखों की संख्या से ये हजारों की संख्या में इतनी जल्दी पहुंच गए हैं। कहां गए ये हिंदू, कहां गए ये सिख और कहां गए ये माइनॉरिटीज, इनके बारे में कोई सुध-बुध नहीं मिलती है। हाँ, बार बार निकल कर सामने जरूर आ जाता है कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ ऐसा हो गया, वहाँ पर सिखों के साथ वैसा हो गया, वहाँ की सरकार चुप्पी साध लेती है और वहाँ की सरकार, छोड़िए ओआईसी संगठन, अरब देश, ये सारे चुप्पी साध लेते हैं। अभी हाल ही में एक पैगंबर के बयान पर जो बवाल मचा, उस बवाल में ये देखने को मिला कि अरब देश वगैरह सब कूद गए, लेकिन अभी हाल ही में अफगानिस्तान के कारते परवान गुरुद्वारा में बड़ा हमला हुआ, बहुत धमाका हुआ और कहा जा रहा है कि इसमें कई सारे सिख हिंदू प्रार्थना स्थल पर शामिल थे। जब ये हमला हुआ, बिल्कुल धुएं धुएं जैसा हो गया है अब दिन पर हालात ऐसे हो गए कि यहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। बहुत ही इमोशनल हालात बन गए। यहाँ पर सिखों की संख्या तो पहले ही कम है, अब गिने चुने सिख बच चुके हैं, उसे भी फिर भी निशाने पर लिया जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर निशाने पर लिया जा रहा है। अफगानिस्तान में लगातार सिखों की संख्या कम होती जा रही है और सिर्फ अफगानिस्तान की ही बात नहीं है, बांग्लादेश में भी वही हाल है, पाकिस्तान में भी वही हाल है। अब तो जो कुछ हिंदू और सिख बचे हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि कैसे यहाँ से बचा जाए और कैसे वो सुरक्षित रहेंगे। लास्ट टाइम तालिबान ने यह आश्वासन दिया था सिखों को, खास तौर पर सिखों के समुदाय से इसके नेता जाकर मिले थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपको कुछ नहीं होगा, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। जब अफगानिस्तान से निकालने की बात चल रही थी और भारत भी उसमें अपने नागरिकों को निकाल रहा था, तब हिंदू सिखों को भारत ने भी ऑफर दिया था कि आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलिए। तब बहुत लोग तो निकल आए थे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जो फंस गए थे, बहुत लोग ऐसे भी थे जो जानबूझकर वहाँ रुक गए थे। जो फंस गए थे उनमें से ऐसा था कि वो एयरपोर्ट तक पहुँच भी गए पर तालिबानियों ने उन्हें वापस भेज दिया कि नहीं, आप हमारे देश के हो, आप अफगानी हो, आप नहीं जा सकते हो। और खुद तालिबान के नेता मिले थे अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों से और आश्वासन दिया था कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर हुआ क्या, आखिरकार यहाँ पर हमला हो गया। अब हमले के लिए इन्होंने क्या कह दिया, जब ये भारत की तरफ से उठाया गया बात, तो हमले के लिए इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये तो जो भारत में पैगंबर मोहम्मद के बयान हुए थे उसका असर है। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि इस तरह के हमले कोई नई बात नहीं है कि आज हुए हैं, ये हमले लगातार होते हैं, ये हमले कोई न कोई बहाना चाहिए, वरना इतने सालों में संख्या इस तरीके से नहीं घटती जिस तरीके से अभी घटी है। जहाँ किसी देश में 24-25% होते थे, वहाँ आज 2% रह गए हैं। इस तरह के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ इन्हें निशाना बनाया जाता है। पर भारत की बात करें तो भारत में उल्टा माइनॉरिटीज की संख्या और परसेंटेज बढ़ रही है। मतलब साफ है कि हमारे यहाँ बिल्कुल छूट है, हमारे यहाँ समान नजर से देखा जाता है, उनके प्रति कोई आक्रामक व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ये आंकड़े ही बता रहे हैं सारे खेल को। अब ऐसे में ये कहा
जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच फ्लाइट शुरू कर दो। फ्लाइट शुरू करने से जो वहाँ बचे खुचे हिंदू हैं, सिख हैं और भी माइनोरिटीज हैं, वो वहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अफगानिस्तान फेमस रहा है हाईजेक करने के लिए, तालिबानी लड़ाके तो और भी ज्यादा। क्या ये जोखिम लेना सही होगा? हो सकता है कि वो भारतीय प्लेन को हाईजेक कर ले और फिर किसी आतंकवादी को छुड़ाने की मांग रख दे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर भी यूएनएससी में बवाल मचा है। आपको याद होगा हाल ही में यूएन में एक इस्लामोफोबिया दिवस मनाने की बात कही गई, इस्लामोफोबिया दिवस मनाने की बात कही गई। अब उस वक्त भी भारत ने इस बात को कहा था कि आप एक धर्म को क्यों चुनते हैं, एक धर्म के अनुसार सिर्फ क्या दुनिया में एक मुस्लिम समुदाय ही है जो प्रताड़ित होता है? सिर्फ एक या दो धर्म को आपने शामिल कर लिया कि हाँ ईसाई प्रताड़ित होते हैं, यहूदी प्रताड़ित होते हैं, मुस्लिम प्रताड़ित होते हैं, क्या हिंदू नहीं होता है, क्या सिख नहीं होता है? इस्लामोफोबिया सिर्फ ऐसा ही क्यों हो? हर धर्म के लिए फोबिया होना चाहिए कि हाँ रिलीजियस तौर पर किसी भी धर्म के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कि गुरुद्वारों में हमले हो रहे हैं, मठों में हमले हो रहे हैं, मंदिरों में हमले हो रहे हैं। भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत एक ऐसा सुरक्षित आश्रय स्थल बना हुआ है जहाँ पर यहूदी समुदाय हो, पारसी समुदाय हो, तिब्बती समुदाय हो, हर समुदाय बहुत ही शांति से रह रहा है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ हिंदू भी प्रताड़ित हो रहे हैं, जहाँ सिख भी प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ भी नहीं है? भारत आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार रहा है, खास तौर पर सीमा पार आतंकवाद का। ऐसे में यूएनएससी जब इस तरह के नियम लाता है कि सिर्फ एक धर्म के बारे में बात की जाए, एक धर्म के डर को उजागर किया जाए, तो ये दिखला रहा है कि यूएनएससी गलत तरीके से काम कर रहा है। यूएनएससी को सभी धर्मों के बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए कि कहीं भी हो, कोई भी हो, अगर उस पर प्रताड़ना होती है तो उस पर एक्शन दुनिया ले। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल ही रहा था, वहीं जयशंकर ने गुरुद्वारे विवाद पर इस हमले को बहुत ही कायरतापूर्ण कहा। साथ ही साथ जयशंकर ने ट्वीट करके एक बहुत बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन्हें आकर इस मुद्दे पर कहना चाहिए कि हाँ यहाँ पे गलत हुआ है। अब यहाँ पर भारत दरअसल चाह रहा है अमेरिका, सऊदी अरब, OIC ये इस मुद्दे पर बोले, लेकिन क्या ये बोलेंगे? OIC, अरब देश या फिर अमेरिका, क्या इसकी निंदा करेगा? अभी ये चुप क्यों बैठे हुए हैं? अमेरिका के ब्लंडर का नतीजा है अफगानिस्तान में हो रहा ये अत्याचार, लेकिन अमेरिका यहाँ पे चुपचाप रहेगा? अमेरिका की दोगली नीति देखिए, श्रीलंका को मदद के नाम पर कितने दिए? मात्र $6 मिलियन, $55 करोड़ थमा दिए और इसी को कह रहा है अमेरिका हमने तुम्हें मदद किया। एशिया को कभी भी पश्चिमी देश उस मामले में देखते ही नहीं है। यहाँ अब मानवाधिकार का मुद्दा क्या नहीं है, लेकिन अमेरिका को मानवाधिकार का या धार्मिक मुद्दा सिर्फ भारत में ही दिखेगा। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।